अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता हैं तो आपको मालूम ही है कि 39वीं ई ऑक्शन के जो 15 चैनल्स हमारे लिए 15 अप्रैल 2019 से लॉन्च होने वाले थे तो वह अभी तक लॉन्च नहीं किए गए हैं। तो इसी को लेकर डीडी फ्री डिश के सीईओ ने ट्वीट के जरिए बयान जारी किया है और इस बयान में उन्होंने कहा है कि करीब हमें एक हफ्ते का समय चाहिए और एक हफ्ते के भीतर हम डिसाइड करेंगे यानी तय करेंगे कि आखिर कौन से दिन से ये नए चैनल्स आपके लिए लॉन्च किया जाने वाले हैं। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इलेक्शंस के मद्देनजर कुछ तारीखों में बदलाव किया जाने वाला है, तभी 15 तारीख को चैनल्स लॉन्च नहीं किए गए और आने वाले वक्त में नई डेट का अनाउंस किया जाने वाला है। तो एक हफ्ते के भीतर हमें नई डेट्स के मालूम पड़ जाएगा कि आखिर कौन सी तारीख को ये नए चैनल हमारे लिए लॉन्च होने वाले हैं। बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको मालूम ही है कि अगर चैनल 15 अप्रैल से लॉन्च होते तो उनका एग्रीमेंट पूरे एक साल के लिए तय है, तो एक साल के भीतर ना तो वो हटाए जा सकते हैं और ना ही उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। तो अगली ई ऑक्शन जो एमपैक 4 स्लॉट्स के लिए हमारी होती तो वो 14 अप्रैल को मान्य होती, या फिर मान लीजिए जिस प्रकार से हमारी 39वीं ई ऑक्शन अभी हुई है एमपैक 4 स्लॉट्स के लिए, तो आगे जाकर एक साल बाद इसी प्रकार से एक बार फिर से एमपैक 4 स्लॉट की जो ई ऑक्शन होगी तो उसमें जो चैनल्स हैं उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी 15 तारीख से चैनल्स लॉन्च होने थे लेकिन 15 तारीख को लॉन्च ना होते हुए हो सकते हैं चैनल हमारे 1 मई से लॉन्च होने वाले हों, तो जितनी 15 तारीख की उनको एडवांटेज मिली है यानी एक्सटेंशन मिली है, तो 15 तारीख का आगे भी अग्रीमेंट जो है इनका एक्सटेंड हो जाएगा। यानी जो चैनल्स हमारे लिए 15 अप्रैल से अगले साल से हटने वाले थे वो अब 30 अप्रैल की रात को 12 बजे से हटेंगे, यानी 15 तारीख का हमें और बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी जो भी चैनल हमारे लिए नया लॉन्च होगा। दोस्तों बाकी जैसी डेट हमारे पास सामने आती है कि कौन सी तरीके से चैनल लॉन्च होने वाले हैं तो जरूर आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। बाकी आपको तो मालूम ही है कि उन चैनल्स को देखने के लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का आई केस का बॉक्स होना चाहिए, तभी उन चैनल्स का आनंद ले पाएंगे। नमस्कार।